रुक करते हैं अगली खबर का। ग्वालियर से खबर मिल रही है जहां चंबल की नहर में तीन बाइक सवारों के डूबने की सूचना मिल रही है। बताया जा रहा है तीन बाइक सवार चंबल की नहर में डूब गए हैं। फिलहाल गोताखोरों ने एक बाइक सवार को तो बचा लिया है, बाहर निकाल लिया है, लेकिन दो अभी भी लापता है जिनकी तलाश जारी है। हादसे में जो एक घायल हुआ है शख्स, उसे मुरैना के ही एक अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया है। एसडीआरएफ की टीम, गोताखोरों की टीम लगातार तलाश कर रही है नहर में। देवगढ़ थाने के शाला चौकी मोड़ की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गोताखोरों ने एक शख्स को बचाया है, लेकिन अभी वो घायल है, उसका उपचार चल रहा है। बाकी दो शख्स की तलाश जारी है। संवाददाता उमेश पाराशर का रुख करेंगे, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। उमेश, कब ये हादसा हुआ और अभी क्या जानकारी है? आवाज आ रही है जी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दीपक, मैं आपको बता दूं, ये ग्वालियर के हिंदू महासभा नेता के भाई सहित तीन लोग चंबल नहर में डूब गए थे और उसमें से एक व्यक्ति को गोताखोरों ने बचा लिया है, जिसका इलाज जिला चिकित्सालय में चलाया जा रहा है। अभी जो हिंदू महासभा के जो नेता हैं, वो और उनके भाई अभी लापता हैं। नहर में गोताखोर तलाश कर रहे हैं। सुबह की ये घटना है, जब वो भात देने ग्वालियर से देवगढ़ जा रहे थे और जब देवगढ़ नहर पर पहुंचे तभी उनकी जो बाइक है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई और जो बाइक पे तीनों ही जो लोग बैठे थे उसमें नहर में चले गए। बाइक उनकी नहर के बाहर खड़ी हुई है और पुलिस वहां मौके पर पहुंची है। प्रशासन की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, मौके पर गोताखोर लगाए गए हैं। नहर में तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक जो दो व्यक्ति जो गुम हुए हैं, नहर में डूबे हैं, वो उनका ये पता नहीं है कि वो कहां चले गए। हालांकि प्रयास अभी जारी है, लेकिन संभावना यही जताई जा रही है कि पानी अधिक है उसमें और वो नहर में डूबकर कहीं और दूसरी जगह पहुंच गए हैं और उनकी तलाश अभी जारी है। लेकिन अभी जो स्थिति है वो स्पष्ट अभी नहीं हो पा रही है। कुछ ही देर बाद जो गोताखोर है और वहाँ जो प्रशासन की टीम लगी है, उनका कहना है कुछ ही देर बाद ये स्पष्ट हो जाएगी, ये जानकारी स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर में उनका क्या हुआ, कहाँ गए हैं, ये पूरी जो जानकारी है कुछ ही देर में जुड़ जाएगी। चलिए नजरें बनाए रखिए उमेश, जानकारी लेते रहेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, खबर पर जुड़ने के लिए। तो फिलहाल जो दो शख्स बचे हैं अभी लापता, उनकी तलाश जारी है, लेकिन एक शख्स को बचा लिया गया है। एसडीआरएफ की टीम, गोताखोरों की टीम लगातार दोनों ही बाइक सवारों की तलाश कर रही है।